मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, ये महासंपर्क अभियान के की जिम्मेदारी जिन चार कार्यकर्ताओं पे है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र जी, भाई कैलाश विजयवर्गीय, सुश्री सरोज पांडे जी और संतोष जी, और साथ में उपस्थित देश भर से आए हुए कार्यकर्ता बंधु भगिनी मित्रों, ये सदस्यता अभियान का भी आपका थकान उतरा नहीं है और पार्टी ने महासंपर्क अभियान की शुरुआत की है। अलग इंचार्ज बनाकर थोड़ा प्रयास किया है कि वही लोगों पर ज्यादा बोझ ना आए जिन्होंने सदस्यता अभियान में इतना काम किया है, मगर कहीं ना कहीं पार्टी में जिम्मेदारी तो आती ही है, इसलिए एक के बाद एक तीन अभियान आने वाले हैं। सदस्यता अभियान अब समाप्ति की ओर है, 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, बाद में महासंपर्क अभियान 1 मई से शुरू होगा और 1 अगस्त से प्रशिक्षण शुरू होगा और उसके बाद में संगठनात्मक चुनाव शुरू होंगे। तो चारों प्रक्रिया हमने समाप्त करनी है क्योंकि ये साल हमारे संगठनात्मक चुनाव का साल है। सबसे पहले तो आप सब जहां उपस्थित है सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि सदस्यता अभियान में देश भर के कार्यकर्ताओं ने आप सबके नेतृत्व में जो अथक परिश्रम किया उसके कारण 10 सदस्यों से शुरू हुई हमारी जनसंघ से जो यात्रा शुरू हुई थी, आज हमारा परिवार करीब करीब 10 करोड़ लोगों का परिवार बना है। इसके लिए देश भर के कार्यकर्ता अभिनंदन के अधिकारी हैं। मित्रों, ये संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल होता है क्योंकि 1600 पार्टियों के इस देश में एक जमघट है, उसमें से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बनाए रखा है। हर 3 साल में हर दो साल में नई सदस्यता और हर 6 साल में सदस्यता का नवीनीकरण और हर 2 साल में संगठन के चुनाव। शब्द प्रयोग के लिए तो चुनाव ठीक है, मगर ये संगठन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सामान्य कार्यकर्ता को संगठन का प्लेटफॉर्म देकर राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़े योगदान देने वाले नेता में परिवर्तित करने की अगर कोई प्रक्रिया है तो ये संगठन का चुनाव है। देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बैकग्राउंड देख लीजिए, कहीं ना कहीं उन्होंने जिले से शुरुआत की है, तहसील से शुरुआत की है, मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं ने बूथ से शुरुआत की है और बूथ से लेकर देश के अध्यक्ष तक पहुंचने की स्वतंत्रता कोई एक पार्टी में है, व्यवस्था कोई एक पार्टी में है, तो हम निश्चित रूप से गौरव से कह सकते हैं कि आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में और कोई पार्टी में नहीं है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि 50 साल से इस व्यवस्था को जो बनाकर रखा है, जिन्होंने संजो कर रखा है, जिन्होंने आगे बढ़ाया है, हम इसको और मजबूत कर आगे बढ़ाए और देश के सामान्य जन को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका दें। और इसीलिए ये संगठन पर्व आयोजित किए जाते हैं। इस बार संगठन पर्व को थोड़े नए स्वरूप में हमने करने का प्रयास किया था। आमतौर पर कार्यकर्ता सदस्य बनाने के लिए जाते हैं, मगर कार्यकर्ता को भी मालूम नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन जुड़ना चाहता है। जहां जहां अपना संपर्क होता है वो सीमित दायरे में कार्यकर्ता जाकर सदस्य बनाते थे।
और उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर अपना परिवार की वृद्धि करते थे और उसमें से नया संगठन बनाते थे। इस बार हमने एक नई प्रणाली को स्वीकार किया। वो प्रणाली के माध्यम से मिस कॉल देना और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना, और देश भर के भारतीय जनता पार्टी के शुभेच्छकों को आह्वान किया, हमारा कार्यकर्ता शायद आपके पास पहुंच पाए न पहुंच पाए, आप एक मिस कॉल मार दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का गौरव प्राप्त करिए। और देश भर की जनता में से आप देखिए 17 करोड़ वोट मिलने वाली पार्टी को 10 करोड़ सदस्य रजिस्टर करने के नजदीक हम पहुंच गए हैं। कार्यकर्ताओं ने भी अथक प्रयास किया है, मगर इसके अंदर हमने जो नई प्रणाली को स्वीकार किया था उसका भी बड़ा योगदान है। कई जगह से हमारा कार्यकर्ता पहुंच पाया न पहुंच पाया, कहीं गिरी कंदराओं में बसने वाला आदिवासी हो, कहीं सागर छोर पर बसने वाला माछीमार हो, कहीं गांव की बस्ती में रहने वाला दलित हो, हम न पहुंच पाए, फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ जुड़ गया है। और हम कह सकते हैं कि सदस्यता अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का काम सर्वस्पर्शीय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का काम सर्वसमावेशक हुआ है, हरेक को समावेश करने वाला हमारा काम हुआ है, हरेक को छूने वाला, स्पर्श करने वाला हमारा काम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कामरूप से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सात अर्थ में एक अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर आज 10 करोड़ का बड़ा परिवार बनी है। मगर जब ये प्रक्रिया हमने शुरू की तब मेरे जैसे कार्यकर्ता के मन में भी चिंता थी, और हमारे कई वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को सालों तक मार्गदर्शन दिया है, जिन्होंने सालों तक पार्टी को बढ़ाया है, उनके मन में एक चिंता थी कि तो मैकेनिक प्रक्रिया है, उसमें कहीं व्यक्ति का टच नहीं है, कहीं संपर्क नहीं है, कहीं संवाद नहीं है, और संपर्क और संवाद के बगैर संगठन खड़ा नहीं हो सकता। उस वक्त मैंने उनको कहा था कि आगे पर भी एक योजना है जिसमें संपर्क आता ही है, क्योंकि हमारी पार्टी जनसंघ से लेकर आज तक हमारी विचारधारा का जो दायरा बढ़ता गया, नींव मजबूत हुई, और आज देश से में सर्वस्वीकृत विचारधारा बनने के दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, उसका कारण, मूल कारण संपर्क और संवाद है। एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से चौथा व्यक्ति, ऐसे करते करते एक बड़े दायरे में पार्टी को, विचार को हमने पहुंचाया है। और संपर्क अगर हम संगठन के तंत्र के अंदर से गंवा देते हैं तो संगठन के अंदर से प्राण चला जाएगा। और इसी क्षतिपूर्ति के लिए ये जो मैकेनिक व्यवस्था हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हुई थी संगठन की, सदस्यता की, उसमें जो संपर्क की क्षति थी, संपर्क नहीं था, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमने संपर्क अभियान को डिजाइन किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 10 करोड़ कार्यकर्ता के पास जाएंगे और उसका संपर्क करेंगे और शुभेच्छक को कार्यकर्ता बनाने की यात्रा शुरू करेंगे। आज मिस कॉल देकर जो कार्यकर्ता हमारे पास आया है, मिस कॉल देकर जो कार्यकर्ता बनने का जिसने प्रयास किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना है, शुभेच्छक है, वो कार्यकर्ता नहीं है। उसको शुभेच्छक से कार्यकर्ता बनाने की यात्रा ये संपर्क अभियान और बाद में प्रशिक्षण अभियान से शुरू होने वाली है। मित्रों, मैं मानता हूं कि जितना महत्वपूर्ण हमारा सदस्यता अभियान था, इससे अधिक महत्वपूर्ण संपर्क अभियान है, और इससे अधिक महत्वपूर्ण आने वाला प्रशिक्षण अभियान होगा। तभी जाकर शुभेच्छक से कार्यकर्ता बनने की यात्रा हम समाप्त कर पाएंगे, और तभी जाकर एक लंबे समय तक विचारधारा की तत्व निष्ठा के आधार पर योगदान देने वाले कार्यकर्ता की निर्मिति कर पाएंगे। और हमारी पार्टी विचारधारा के बगैर जी नहीं सकती, हमारी पार्टी का आधार ही विचारधारा है। हमने तो जब यात्रा शुरू की थी तब कोई नहीं था हमारे साथ, हंसी उड़ाई जाती थी हमारी, 10 युवा कार्यकर्ताओं ने एक विचारधारा को लेकर तब काम किया था जब लगता था कांग्रेस का सूर्य यावत चंद्र दिवाकर इस देश पर राज करने वाला है।
दूर दूर तक सत्ता का स्वप्न नहीं आ सकता। सत्ता छोड़िए जमानत बचाने का भी विचार नहीं आता था। ऐसे समय में एक विचारधारा के आधार पर 10 युवाओं ने इस पार्टी को शुरू किया था। वहां से लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, देश में सबसे ज्यादा सांसद है, देश में सबसे ज्यादा सरकारें हैं, देश में सबसे ज्यादा विधायक है और देश में सबसे अच्छा काम करने वाली सरकारें देने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। तो उसका कारण हम विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। और मित्रों, इस विचारधारा के लिए और विचारधारा के परिचय के लिए संपर्क अभियान है। जो शुभेच्छक सदस्य बना है उसको हमारी विचारधारा का परिचय देना है, उसको हमारी पार्टी का परिचय देना है, उसको हमारी सरकार कैसे चलती है, सरकार किस लिए चलती है, इसका परिचय देना है। और इसके लिए संपर्क अभियान है। संपर्क अभियान के लिए जब हमारे कार्यकर्ता संपर्क करने के लिए जाएंगे तो उसके हाथ में तीन चीजें होगी। तीन चीज देकर आना है, एक चीज लेकर आना है। एक उसके पास हाथ में होगा पार्टी की संपूर्ण राजनीतिक यात्रा का एक सिंहांगावलोकन होगा, एक छोटा सा परिचय होगा तीन चार पेज में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की ये पार्टी की यात्रा, इसको चार पेज में संक्षिप्त में हम समाहित कर आपको देंगे। वो पत्रक लेकर आपने कार्यकर्ता के पास जाना है, उसको बताना है कि पार्टी की यात्रा कैसी रही। बहुत रोमांचक और संघर्षपूर्ण यात्रा भारतीय जनता पार्टी की रही। हजारों हजारों कार्यकर्ताओं ने डिपॉजिट गंवाने वाले चुनाव लड़े हैं, कई कार्यकर्ताओं ने अपने जान का बलिदान दिया है। हमारे दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की हत्या हुई है, उन्होंने अपने जान का बलिदान दिया है। केरल, बंगाल, इवन तमिलनाडु, कई प्रांतों में हमारे कार्यकर्ता काम करते करते इस विचार के लिए शहीद हुए हैं। तब जाकर पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है, उनके बलिदान की नींव पर पार्टी बनी है। निहित सत्ता प्राप्ति के लिए ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश की विकास की यात्रा सही रास्ते पर हो, देश के आजादी के बाद का रास्ता सही हो, इस देश की माटी के सुगंध के आधार पर देश की नीतियों का निर्माण हो और इस देश की नीतियों का निर्माण करने वाले लोग इस देश की संस्कृति से, इस देश की परंपरा में से निकले हुए हो, इसके लिए संघर्ष किया था। और आज जब नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तब देश हमारी विचारधारा के रास्ते पर प्रशस्त होकर विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान बनाने में इस 10 ही महीने में सफल हुआ है मित्रों। और 10 महीने में दुनिया बड़ी आशा के साथ इस देश को देखने लगी है। इस बात को लेकर हमने नए कार्यकर्ता के पास जाना है, उसके साथ में दूसरा एक पत्रक होगा। वो पत्रक के अंदर इस पार्टी के सिद्धांतों का परिचय होगा, पार्टी क्यों बनी, बनाने का कारण क्या था, किस सिद्धांत के आधार पर पार्टी चलना चाहती है, एकात्म मानववाद क्या है, अंत्योदय क्या है, पार्टी की सरकारें बनती है, हम सत्ता में आते हैं, चाहे तहसील पंचायत हो, जिला पंचायत हो, महानगर पालिका हो, प्रांत की सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, अगर हम सत्ता में आते हैं तो किस विचार के आधार पर हमारी सरकारें चलती है। हम इस देश में कल्याण राज्य की स्थापना करने के लिए काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को विकास के जो लंबी लाइन है उसमें सबसे अंतिम खड़े हुए व्यक्ति को उठाकर प्रथम पंक्ति में लाना, अंत्योदय के सिद्धांत पर हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारी सरकारें काम कर रही है। इस सिद्धांत का परिचय कराने के लिए एक हमारी पार्टी के सिद्धांतों की भी एक परिचय पुस्तिका उनके पास होगी। और तीसरा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किए हुए अच्छे कामों की सूची भी इसके साथ होगी। ये तीनों काम लेकर हम नए कार्यकर्ता के पास जाएंगे और उसको ये अध्ययन करने के लिए आग्रह करेंगे और बातचीत में उसको समझाने का भी प्रयास करेंगे और उसके पास से एक उसका पूर्ण परिचय लेने का प्रयास करेंगे। इसमें 22 बिंदु थे, कल सरोज जी ने उसको थोड़ा और कंसोलिडेट कर कम किया है। आपको दिया जाएगा पत्रक, आज के दिन की कार्यशाला में उस पत्रक का भी परिचय करा जाएगा। मगर जो कार्यकर्ता बन रहा है
उसका पूर्ण परिचय पार्टी के पास हो, हर प्रकार का, इस प्रकार का एक परिचय पत्रक है, उसको लीक कर भर उसकी खाना पूर्ति कर कर हमने वापस पार्टी के कार्यालय में लाना है, जिसका डिजिटल डेटा जिला कार्यालय पर, प्रदेश कार्यालय पर और देश के कार्यालय पर उपलब्ध होगा। और ये 10 करोड़ कार्यकर्ताओं के डिजिटल डेटा के आधार पर एक लंबे समय तक नई जान वाले संगठन की रचना हम करना चाहते हैं, संगठन के अंदर एक नया प्राण फूंकना चाहते हैं। मित्रों, वो तभी हो सकता है जब संगठन स्थगित न हो। चरवेति चरवेति के सिद्धांत पर चलने वाले करोड़ों कार्यकर्ता हमारे पास सूचीबद्ध हो, तब जाकर हम इस संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मित्रों, गांव-गांव और गली-गली में हमारे संपर्क अभियान पहुंचे, घर-घर तक पहुंचे। 10 करोड़ सदस्यों में से एक भी सदस्य ऐसा न रह जाए जिसका भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क न किया हो, तब ही जाकर हम इस संपर्क अभियान को उसके लॉजिकल एंड तक ले जा सकते हैं। मित्रों, ये जो डेटा बनने वाला है, एक डिजिटल डेटा बनेगा 10 करोड़ लोगों का, मुझे याद है, मुझे विश्वास है कि इसके आधार पर पार्टी एक नई ऊंचाइयों के पदक पहुंचेगी। पार्टी को एक लंबे समय तक, 25 साल तक, 50 साल तक एक नया नेतृत्व मंडल कक्षा से, जिले कक्षा से मिलना शुरू होगा और वो आने वाले लंबे समय तक इस देश को दिशा दर्शन देने का काम करेगा। हम सभी इसी तरह से कभी न कभी इस पार्टी के सदस्य बने थे, शायद हमारे पास कोई ना आया होता, हमें कहीं ना कहीं इसके साथ न जुड़ा होता, इस विचारधारा के साथ न जुड़ा होता, तो आज हम भी इस पार्टी के सदस्य भी न होते, ना इस देश की राजनीतिक क्षेत्र में योगदान कर रहे होते, और नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़कर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हमने करना है। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में से 14 रत्न और अमृत निकले थे, इस तरह से ये महासंपर्क अभियान ये समुद्र मंथन है हमारे संगठन पर्व का। इसमें से नए कार्यकर्ताओं को ढूंढकर उसको समुचित स्थान संगठन में देने की एक प्रक्रिया है। पार्टी में एक नयापन लाना है, पार्टी में एक नया उत्साह लाना है, पार्टी को बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया को बनाया गया है। 1950 से लेकर 2014 तक पार्टी कई मकाम पार करते 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 आज यहाँ तक पहुँची है। जब विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व तो हमारे पास है और बहुत अच्छी काम करने वाली सरकार हमारे पास है, तब इसका उपयोग कर पार्टी के जनाधार को बड़ा विस्तृत करने का हमारा दायित्व है मित्र। और इस जनसंपर्क अभियान से एक नया संगठन बनाने की भी जिम्मेदारी हम सभी कार्यकर्ताओं की है और इसलिए हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अंदर से 15 लाख कार्यकर्ता को अलग निकाल कर एक बहुत बड़ा, कदाचित शायद हो सकता है देश का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। 1 अगस्त से वो कार्यक्रम शुरू होगा, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये अभ्यास वर्ग होंगे। 2 रात्रि और 3 दिन का ये अभ्यास वर्ग होगा और उसमें 15 लाख कार्यकर्ताओं को, नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया जब समाप्त होगी और हमारा नया संगठन पर्व, संगठन के चुनाव करने के लिए हम तैयार होंगे, तब अक्टूबर में मुझे लगता है कि 15 लाख अच्छे मंजे हुए कार्यकर्ताओं की सूची हमारे आधार, हमारे पार्टी के कार्यालय में होगी, वो नींव बनेंगे और ये 10 करोड़ परिवार जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो 10 करोड़ परिवार लंबे समय तक हमारी ये विचारधारा की यात्रा को संबल देते रहेंगे। मित्रों, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश काफ़ी प्रगति कर रहा है, बहुत सारी योजनाएँ, नई नई योजनाएँ को नरेंद्र भाई की सरकार ने आगे बढ़ाए हैं। मैं यहाँ इसकी कोई बात करने नहीं आया हूँ, आज करने का औचित्य भी नहीं है, मगर इतना भी कहना है कि हमारे सरकार के खिलाफ, हमारे काम के खिलाफ एक भ्रामक प्रचार शुरू किया है, भ्रांति फैलाने का एक प्रयास हो रहा है और भ्रांति का निरसन के लिए उसके खिलाफ मजबूत
ठोस काम जो हमने किया है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ये संपर्क अभियान बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। कोई कितनी भी भ्रांति फैला दे, अगर 10 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के देश भर के अंदर फैल जाते हैं तो 100 करोड़ लोगों का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कठिन बात नहीं है। और जब व्यक्ति जाकर कहता है, बीच में कोई माध्यम नहीं होता है, तो वो संपर्क की सबसे बड़ी असर होती है। हमारे विचार के विरोधी कितनी भी भ्रांति फैला दे, अगर ये 10 करोड़ कार्यकर्ताओं का परिवार जनसंपर्क के लिए निकल जाता है तो कोई भ्रांति कहीं टिकने वाली नहीं है। जो सत्य है वो लोगों के पास पहुंचाने का हमारा संगठन सफल ही होगा, इसमें मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। ये जनसंपर्क अभियान, ये महासंपर्क अभियान, ये हमारे खिलाफ जो भ्रांति फैलाने का प्रयास है, अपप्रचार करने का जो प्रयास है, उसका भी जवाब इसके अंदर है। मित्रों, हम घर घर जाएंगे, हर कार्यकर्ता को मिलेंगे, उसको समझाएंगे कि वो और 5-6 लोगों को ये बात को समझाए। हमारे प्रयास को लोगों तक पहुंचाने का इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी लोकसभा में हमारी 2 सीटें आ गई, ऐसा भी समय था कि देश में कहीं हमारी सरकार बनना का नामो निशान नहीं था। तब कहाँ से, वहाँ से लेकर आज देश में हमारी 13 सरकार है और भारत सरकार भी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। ये यात्रा जो है वो इसलिए इतनी लंबी यात्रा हम कर पाए हैं, इतने उतार चढ़ाव में से पार्टी मजबूती से निकली है, क्योंकि हम संगठन के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, हम विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी हैं। मैंने देश के राजनीतिक इतिहास में कई पार्टियां देखी है, 2 हार के थपेड़ों से पार्टियां टूट जाया करती है, बिखर जाया करती है। कई हार आए, कई पराजय आए, भारतीय जनता पार्टी ना कभी टूटी ना कभी बिखरी और मजबूत होकर बाहर आई। उसका कारण हमारा संगठन है, एकमात्र कारण हमारा संगठन है। और विचारधारा के आधार पर संगठन की निर्मित का ये नूतन प्रयास जो है वो तभी जाकर सफल हो सकता है जब हमारे सभी कार्यकर्ता इसके अंदर अपना योगदान दें। मित्रों, मुझे भरोसा है कि जिस तरह से संगठन पर्व को हमने सफल बनाया है, उसी तरह से हमारा कार्यकर्ता ये संपर्क अभियान को सफल बनाएगा। एक मानव में संगठन पर्व से बहुत सरल काम है। संगठन पर्व में तो 5 लोगों के वहां जाते होंगे तो 2 लोग फोन करने के लिए तैयार होते होंगे। अभी तो आपके पास पूरी सूची होगी, जो सदस्य बन गए हैं उनका ही संपर्क करना है, बड़ी सरल बात है। 10 करोड़ सदस्य बने हैं तो कम से कम 30-40 करोड़ लोगों का संपर्क किया होगा, तब जाकर 10 करोड़ सदस्य बने होंगे। अब 10 करोड़ वही सदस्यों का संपर्क करना है जिसका नाम भी हमारे पास है, पता भी हमारे पास है, मोबाइल नंबर भी हमारे पास है, और उसकी इच्छा है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर भारतीय जनता पार्टी में योगदान देने की, वो भी हमें मालूम है। मगर संपर्क अभियान भी हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्रॉस चेकिंग करने वाले हैं। बाद में सरोज जी और भूपेन जी आपको सूचनाएं देंगे किस तरह से उसका क्रॉस चेकिंग होने वाला है। मगर मैं मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस संपर्क अभियान को निष्ठापूर्ण रिश्ते तरीके से समाप्त करना चाहिए। और अगर 10 करोड़ लोगों का संपर्क कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में नए संगठन की रचना के लिए, नए प्रशिक्षण के हमारे कार्यक्रम के लिए एक बहुत अच्छा और मजबूत आधार पार्टी को मिल जाएगा। नरेंद्र भाई का संपर्क करके ये संपर्क अभियान की शुरुआत होने वाली है। मैं और रामलाल जी प्रधानमंत्री जी का संपर्क करने जाने वाले हैं और वहीं से ये संपर्क अभियान की शुरुआत होगी, और उसके बाद में देश भर के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में उसकी शुरुआत करेंगे और हर कार्यकर्ता तक हमारा ये संपर्क अभियान पहुंचे और आने वाले कई सालों तक पार्टी की मजबूती की नींव ये संपर्क अभियान के माध्यम से हम डालें, इस प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से डालें, और एक लंबी यात्रा जो पार्टी की आज तक यहाँ पर यशस्वी तरीके से पहुंची है, इसको एक लंबे समय तक ज़्यादा यशस्वी तरीके से हम आगे ले जाए, ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। कुशाभाऊ सुंदर सिंह भंडारी, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता सिंधिया, जगन्नाथ राव जोशी, कैलाशपति मिश्र,
कई सारे कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन देकर इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। हमारा दायित्व है कि इस पार्टी को इससे आगे ले जाना और आगे यशस्वी तरीके से ले जाना। आगे 50 साल तक की यात्रा कैसी होगी इसका अंदाज ये 2015 के संगठन पर्व से आने वाला है। सबसे कठिन संगठन पर्व का जो काम था नए सदस्य बनाने का, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया है। अब सदस्यता अभियान और प्रशिक्षण के माध्यम से, ये तीनों कार्यक्रम के संपुट के माध्यम से शुभेच्छक को कार्यकर्ता बनाने की हमारी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से हम समाप्त करेंगे। मुझे श्रद्धा है आज देश भर से जो कार्यकर्ता आए हैं, मेरा उनको आग्रह है कि जो कार्यशालाएं राज्य स्तर पर करनी है, प्रांत स्तर पर करनी है, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर करनी है, वो समयबद्ध तरीके से समाप्त हो और हमारा संपर्क अभियान भी सदस्यता अभियान की तरह ही 90 दिन में हम समाप्त कर प्रशिक्षण अभियान के लिए तुरंत आगे बढ़ पाए, यही शुभकामना। और फिर से एक बार आप सबको, आप सबके माध्यम से देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सफल सदस्यता अभियान के लिए लाख लाख वंदन, लाख लाख अभिनंदन, धन्यवाद।